हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने अंडे और आलू की एक सिंपल सी कढ़ी की रेसिपी के साथ आई हूँ। तो चलिए इसे किस तरह बनाते हैं वो देखते हैं। अंडा और आलू की कढ़ी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको आलू को छीलकर इस तरह से पीसेस में काट लेने हैं और करीब 6 अंडे आपको बॉयल कर लेने हैं और बॉयल करके इस तरह से आपको चीरा लगा लेना है और इसे हमें करीब 10 मिनट के लिए मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए हमें यहाँ पर लाल मिर्च, नमक और हल्दी इनको इसके अंदर डालकर इसे मिक्स कर करीब 10 मिनट के लिए आपको इसे इस तरह छोड़ देना है। देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। आपको कढ़ाई लेना है। कढ़ाई में आपको करीब 4 बड़े चम्मच सरसों के तेल डालने हैं। अगर आपको रिफाइंड ऑयल लेना है तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो, लेकिन ये रेसिपी बनाने के लिए अगर मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं तो बहुत टेस्टी बनता है। ये करीब 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे तेल में फ्राई करेंगे। जब ये तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें मैरिनेट किए हुए आलू को सबसे पहले फ्राई करेंगे। जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो हम इसे अलग निकाल कर रख देंगे और इसी में हम फिर अंडे को भी फ्राई करेंगे। ये आलू हमारा फ्राई हो गया है, हम इसे निकाल देते हैं। इसी में हमें अंडे को भी फ्राई करना है। इसी तेल में जिसमें आपने आलू फ्राई किए थे इसी में आपको अंडे को भी थोड़ा फ्राई कर लेना है। बस हमें इतना है लाल ही इसे भूनना है। इसके बाद हम इसे अलग निकाल लेंगे। अब इसी तेल में हमें करीब 1 बड़ा चम्मच जीरा देना है। जब ये चटक जाएगा तो हम इसमें करीब 3 इलायची, 1 इंच दालचीनी के और कुछ लौंग के टुकड़ों को भी हम इसमें डाल देंगे। 2 से 3 बे लीफ, 3 से 4 सूखे लाल मिर्च इनको डालकर हमें थोड़ी देरी फ्राई करना है। अब हम इसमें करीब 2 बड़े प्याज को फाइनली चॉप करके तेल के अंदर डालकर हमें इसे फ्राई करना है। इसको हमें अच्छी तरह से भूनना है। जब प्याज इस तरह से भून जाए तब हम इसमें 2 बड़े टमाटर को अच्छी तरह से फाइनली चॉप करके इसके अंदर डालकर भूने। इस तरह से आपको चॉप करना है। आप इसे पीस भी सकते हो। इसको आपको अच्छी तरह से मिलाना है। प्याज और टमाटर को भूनते समय ही आपको इसमें स्वादानुसार नमक को भी ऐड कर देना है। ध्यान रहे हमने मैरिनेट करते समय भी नमक दिया था, तो जब आप इसमें नमक डालें तो सावधानी से दें और अच्छी तरह से मिक्स कर दें। हमें टमाटर को थोड़ी देर तक भूनना है, जब थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तब तक। 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट या आप दरदरा भी इस तरह से दरदरा कूट भी सकते हो और हरी मिर्च आप अपने स्वादानुसार दे सकते हैं। मैंने यहाँ करीब 3 हरी मिर्च को स्प्लिट करके दिया हुआ है और इसको अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है। जब अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ इसमें से अच्छे से सुगंध आ रही है, तब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में मैंने 1 बड़ा चम्मच धनिया, आधी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच हल्दी पाउडर और इसे अच्छी तरह से आप भून लो। आपको अच्छी तरीके से भूनना है। मसालों को जलने से बचाने के लिए आज थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह से भूनना। इन सारे मसालों को आपको एक सार कर लेना है और अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखिए ये साइड अब तेल छोड़ने लगा है, इसका मतलब ये सारे मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू को ऐड करके अच्छे तरह से मिक्स करेंगे कुछ इस तरह से और हम इसमें करीब 1 कप पानी को देकर इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये जो पानी है आप उतना ही दें जितने में आलू अच्छी तरह से ढक जाए। जितना ग्रेवी आपको चाहिए आप उसके हिसाब से पानी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने करीब 1.5 कप गर्म पानी को दिया है और इसे देने के बाद आपको इसे मीडियम आंच पर ढक कर करीब 10 मिनट तक आपको पकाना है। इसे आपको 10 मिनट तक पकाना है ढक कर मीडियम आंच पर। 10 मिनट के बाद आप इस लीड को खोलिए और देखिए। आप एक आलू को इस तरह से कट करके देखना, अगर ये अच्छी तरह से कट जाता है इसका मतलब हमारा आलू पक गया है। अब हम इसमें जो अंडे थे इसे भी इसमें देकर हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें करीब 1/2 कप और आपको पानी के ऐड करने हैं। ये जो पानी है मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको अपने अंदाज से देना है, आपको कितना पतला कढ़ी चाहिए उसके हिसाब से आप इसमें पानी को
ऐड करें। मैंने इसमें करीब पहले 1.5 कप दिया था, उसके बाद मैंने इसमें 1 कप ऑफ वाटर को देकर इसे अच्छी तरह से मिक्स किया। और इसमें आप स्वादानुसार, ये पूरा ऑप्शनल है, आप इसमें 1 चम्मच गरम मसाले, कुटी हुई गरम मसाले को भी देकर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको गरम मसाला नहीं देना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। मैंने इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला को दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स किया है। और इसे फिर से मैं ढककर करीब 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी। 2 से 3 मिनट के बाद आपको ढक्कन को खोल देना है। देखिए ये अच्छी तरह से हमारा ये साइड जो है तेल छोड़ने लगा है। अब हम इसके अंदर एक अंडे को लेंगे, उसे अच्छी तरह से हम फेंटेंगे, ठीक है। और इसे हम इस ग्रेवी के अंदर इस तरह से आपको दे देना है और इसे अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स कर देना है, मिक्स कर देना है। उसके बाद इसे फिर से आपको ढक कर करीब 2 से 3 मिनट तक इसे आपको धीमी आंच पर पकने देना है। 2 मिनट के बाद आप ढक्कन को खोलें। देखिए ये हमारा आलू, अंडे आलू का कड़ी बनकर तैयार है। इसका ग्रेवी इस तरह से होता है, आपको जितना पतला चाहिए उस तरह से आप पानी ऐड कर सकते हो। अभी हमारा ग्रेवी बनकर तैयार है, आप चाहे तो इस बेले को अलग हटा भी सकते हैं। देखिए ये बनकर हमारा अब तैयार है। अब इसके ऊपर आप धनिया पत्ता को स्प्रिंकल करके सर्व कर सकते हैं। हमारा मज़ेदार अंडा आलू का कड़ी बनकर अब तैयार है। इसे आप स्टीम राइस, रोटी, पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।